Hey guys, welcome back to another vlog. मेरा नाम है जे और आप देख रहे हो जय सिंह ब्लॉग्स। और आज हमारे चेहरे पे आपको अलग निखार, अलग खुशी थोड़ी बहुत दिख रही होगी, क्योंकि एक दिन बाद हम निकलने वाले हैं टूवर्ड्स दी माउंटेन्स। और तैयारी पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है। अभी मैं विशाल को उठाऊंगा और विशाल के साथ हम शॉपिंग करने जाने, क्योंकि विशाल को भी शॉपिंग करनी है, तो दोनों भाई बढ़िया शॉपिंग कर लेंगे। उसको जाना नहीं है मेरे साथ, मैं एक्चुअली एक ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। और हमारा चश्मा वापस आ गया है, क्योंकि जो लेंस कार्ड का चश्मा हमारा वृंदावन में होली के टाइम भीड़ में गिर के गायब हो गया था, वो अब हमने नया बनवा लिया है, अलग डिजाइन बनवाई है, क्योंकि वो एविएटर ज्यादा कॉमन हो गए थे। तो बताना कैसे लग रहे हैं हमारे नए जो शेड्स है, नंबर वाला है, मुझे नंबर है आंखों में, तो वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा बढ़िया हेयर कट वगैरह भी कर लिया है, क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हो तो फ्रेश दिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रील्स वगैरह बनेंगी। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने 10-15 दिन से रील भी नहीं डाली, क्योंकि यार रिपीटेटिव कंटेंट हो रहा था, नया कंटेंट कुछ था नहीं, तो इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था काम करने का उस हिसाब से। तो अब नया कंटेंट आएगा अगले, मतलब ये ब्लॉग आप देख रहे होगे तो मतलब कल निकल जाएंगे हम, तो आप लोग इंजॉय करो बढ़िया। कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है सुबह 4 बजे, तो मतलब आज की रात हमें मतलब बढ़िया सोना पड़ेगा, ताकि कल हम बढ़िया ड्राइव कर पाए। और बता ही देता हूँ कि नहीं बताऊँ, अभी नहीं बताऊंगा यार, थोड़ा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब लंबी ड्राइव है, 8-10 दिन की रोड ट्रिप है बढ़िया सी माउंटेन्स में, और मजा आने वाला है, बढ़िया कंटेंट आने वाला है। तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, जे बॉय व्लॉग्स के नाम से है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा नाम, यहाँ पे तो आप देख ही लोगे रियल टाइम अपडेट्स, जो भी हम व्लॉग्स वगैरह डालेंगे वो तो आपको दिख ही जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रमेश नगर, विशाल जी को उठाते हैं और उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और अब बढ़िया अभी हम हाईवे पे चला रहे हैं, जो मेरा फेवरेट हाईवे, एकदम साफ सुथरा क्लियर हाईवे, उस पर गाड़ी चला रहे हैं, हम चला रहे हैं थार। और ये गाड़ी लेके नहीं जाएंगे हम लेके जाने वाले हैं होपफुली जिमनी लेके जाने वाले हैं, क्योंकि जिमनी के टायर बदलने हैं। हमने उसमें 1.5 लाख के एलॉय लगाए थे, लेकिन एलॉय पहाड़ों के लायक नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह से एलॉय हम चेंज करा देंगे, और एलॉय की जगह हम नॉर्मल टायर्स लगवा लेंगे उसमें, ताकि हमें पहाड़ में दिक्कत ना हो, तो वो भी होना है। इसका मुझे डर था, और यही है हम फंस चुके हैं जाम में, जो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। अभी हम 15-20 मिनट दूर है और लंबा जाम पड़ा हुआ है भाई, देखो तो लड़ाई हो रही है, लड़ाई लड़ाई नहीं हो रही है, गाड़ी में लोग भरवाने के जस्ट तो जहत हो रही है, जस्ट तो अंकल ने गोदी में फेंक लिया। गाइस हम आए हैं विशाल सागर रत्न लेके आया मैं, और ऑर्डर करने में 1 घंटा लगा रहा है विशाल। यस ब्रो, बेड क्यों नहीं सेट कराई, जिंदगी में कोई है नहीं पिस के लिए, उसी को काटता रहता है वो, जब भी बात करते किसी से। फ्राइडे है गाइस, चीयर्स। काफी खर्चा हो रहा है, सर दर्द चालू हो गया, सर दर्द चालू है, सुबह से कुछ नहीं खाया यार। ये है हमारा, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं, खाओ खाओ एंजॉय खाओ। इधर कैमरा खोलते ही हंसने लगती है भाई, ये ब्लॉगर लोग घूम ही नहीं समझ गया मैं, और मिलाना पड़ेगा। है आलू, आलू कम है भैया, भैया एक आलू और, इनको आलू एक आलू अलग से देना बॉइल करके। अंदर जो लड़का, अंदर जो लड़का, भैया एक आलू कम डाला, वीडियो बना रहा, अपलोड करेगा, ट्रैक करके अंदर से खोल के दिखाओ। अरे है भाई, दबा हुआ है इधर, ये वाला पिज्जा खाया तुमने? नहीं खाया तुमने? तो हमने उससे मंगवाया, यहाँ पे सेल आउट होता है। ये खाया नहीं मेरे, वो तो मैंने नहीं खाया। अरे भाई बेस्ट है, बेस्ट ब्रेकफास्ट इन द वर्ल्ड, इसके साथ खाना चाहिए चटकी वाली के साथ, तिरंगा बना के खाऊंगा। गाइस हम गए थे साइबर हब, और विशाल जी अपनी कलीग को भी लेके आए थे, ऑफिस वाली दोस्त इनकी मित्र, मैं विशाल जी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। शॉपिंग अधूरी की अधूरी रह गई गाइस, कल करेंगे, कल हमारा लास्ट डे है बिफोर द ट्रिप, ज़्यादा शॉपिंग कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत ही करना है। कल जिमनी के टायर्स भी बदलने हैं, क्योंकि जिमनी अभी जाने लायक है नहीं, जिमनी आगे शायद रात को आ गई होगी,
उसको टायर वायर चेंज करते हैं, उसको बढ़िया ट्रिप रेडी बनाते हैं, ट्रिप रेडी। मैंने स्टिकर्स भी छपने के लिए डाल दिए हैं, तो स्टिकर्स भी आ जाएंगे कल। कल हेक्टिक डे होने वाला है, कल पैकिंग भी करनी है और अर्ली मॉर्निंग परसों सुबह सुबह निकल रहे हैं। तो आप ये ब्लॉग देख रहे हो, उसके नेक्स्ट ब्लॉग में हम निकल गए होंगे। उसके बाद आप देखो, अगर नेटवर्क रहेगा तो मैं अपलोड करते रहूँगा ब्लॉग्स वहाँ से। नेटवर्क नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत डिले सह रहेगा। इसको मैंने बोला चलो ये नहीं जा रहा गाइस, इसको बहुत स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स। इसको मैंने बोला चल ले साथ में, नहीं मान रहा ये। चलेंगे हम बाद में, हम अपनी ट्रिप बाद में प्लान करेंगे, हम छोटी सी ट्रिप प्लान करेंगे दो चार लोगों वाली। देखते हैं गाइस, विशाल भाई को पहुंचा दिया हमने उनके घर तक, आ गए। और ये खड़ी हमारी थार, निकलने का टाइम हो रहा है, टाइम टू लीव। निकले क्या बोलता, आप मिलेंगे 15-20 दिनों के बाद, क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों में। और ये यहाँ पहाड़ बना रहा है, गुड़गांव और दिल्ली का पहाड़ बनाते रहता है ये। स्मार्ट लग रहा है, क्या बात है। ग्लो अप ना। इसके सामने देखो गाइस, मेरा ग्लो खत्म हो जाता है भाई। नहीं यार, सेक्सी बॉय बोलता है। अभी हम थोड़े डल से है ना, तू भी डल चल रहा है। तो भाई ये कौन सी गाड़ी ले जा रहा है गाइस? ये गुरुद्वारा, रमेश नगर गुरुद्वारा है। नहीं यार, पूजा चोर 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 चोर। चलो बाय बेबी, सी यू सून। सेफ ट्रिप बोल, सेफ ट्रिप बोल। हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है, बाय बाय। आ जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं नाम है जय और आप देख रहे हो जय सिंह व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कड़ी धूप से। और अभी हमें जाना है जिमनी को रेडी करवाने, जिमनी के टायर बदलने हैं, उसके स्टिकर्स वगैरह लगने हैं, क्योंकि कल से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। और ट्रिप लोकेशन अभी नहीं बताएंगे, सीक्रेट रख रहा हूँ मैं। सीक्रेट रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करो, फॉलो करो सब ट्रिक्स है भाई। गाड़ी बहुत गर्म है यार, सांस नहीं आ रही भाई। और हम जा रहे हैं जिमनी को लेने। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जिमनी, क्योंकि उसमें टायर जो है ना बहुत बड़े हैं, मतलब वेट भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उसका मतलब साइज भी थोड़ा बड़ा ही है जिमनी के कंपेरिजन में। अगर वो सेम एलॉयज अगर थार में होते ना तो अलग बात होती। वही कह रहा था कि अगर वो सेम एलॉयज थार में होते ना तो बढ़िया काम करते, लेकिन क्योंकि जो हमारी, अरे यार पसीना देख रहे हो, जिमनी का साइज़ थोड़ा छोटा है, उसके वजह से जब जिमनी हाई स्पीड में अगर मैं ब्रेक करता हूँ ना गाड़ी, तो उसकी स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा हिलती है, तो उसकी वजह से वो गाड़ी एटलीस्ट पहाड़ों के लायक तो अभी नहीं है। या तो हम उसमें छोटे एलॉयज लगा देंगे, और या फिर हम उसमें जो ओरिजिनल टायर्स आते हैं वो ही लगाएंगे। लेकिन अगर हम ओरिजिनल टायर लगवाएंगे तो उसमें रिम्स भी लगेंगे, उसके बाद ड्रम्स भी लगेंगे, तो वो खर्चा भारी हो जाएगा। हमारे पास आज के दिन है, कल हमें निकलना है ऑलरेडी, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत मुझे 3-4 काम है, मतलब आज हेक्टिक हो गया है। और आज मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है, व्लॉग में शायद शाम को डालूंगा जब टाइम मिलेगा तब, एडिटिंग करके, क्योंकि एडिटिंग भी नहीं कर पाया। कल मैं चला गया था विशाल से मिलने, उसने ज़बरदस्ती बुला लिया। उसके बाद रात को तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, दवाई ववाई खा के जी रहा हूँ अभी। तो कल सुबह 4 बजे निकलना है, तो ये व्लॉग ख़त्म होगा, फिर वो व्लॉग स्टार्ट होगा, फिर मजा आएगा, रोड ट्रिप बिगिंस। कल रिवील करूँगा कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इतना भी सरप्राइज नहीं रखना है, कल रिवील करते हैं। बढ़िया, ये हमारी जिमनी और ये टायर हमें बदलवाने हैं। देखते यार, अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो इसी को ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले तो जानी है। अगर मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो समझदार होगा समझ जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये है हमारे स्टिकर्स, ये है हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हैंडल्स, ये हमारे कंपनी का हैंडल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। छुपाऊँ कैसे इतना सारा, इसमें लिखा हुआ, ये भी गाड़ी के आगे लगेगा, डोर पे लगेगा, डायरेक्शन वाला सीन टू द माउंटेन्स। ऐसे दो बनाए हमने, देखते कहाँ लगाएंगे। तो गाइस, दिक्कत क्या हो गई है ना, आज है इलेक्शन दिल्ली में, और जो भी डायरेक्शन, जितने भी मतलब जो भी काम होना था टायर वायर चेंज होने का, वो नहीं हो पाएगा। तब हम जिमनी को जैसी हालत है वैसे ही हम ले जाएंगे वापस, आके देखते हैं कि इसके अलॉय चेंज करने हैं नहीं करने हैं, क्या करना है। बट ये ट्रिप अलॉय के साथ ही,
होप इट परफॉर्म्स वेल और फंसे ना कहीं। नहीं आ गई है, अपनी चीज़ आके हम ये चिपकाते हैं पीछे की साइड गाड़ी में, दिखाते हैं कैसा लगता है। बाकी ये बड़े वाले में चिपकाऊंगा थोड़ी देर में, हैवी रात को चिपकाऊंगा। रेडी करते हैं हम गाड़ी, आ जाओ। वो खड़ी है देखो जिमनी, चलो ये भी फिट करते हैं, गाड़ी में पीछे लगाते हैं जिमनी में। ये लग गया हमारा नाम इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, विजिबल तो है, ठीक ठाक दिख जाएगा। ये है लद्दाख की बीजिंग और ये है हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स। अरे वो बड़ा वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने लगाया था फिर मैंने निकाल के फेंक दिया और कलर भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, देखता हूँ। अभी एक बचा हुआ है ये वाला, ये लगाओ कि नहीं लगाऊंगा देखता हूँ बाद में देखूँगा। ये वो मज़ा नहीं आ रहा, वो अलग से कलर दिख रहा है इसका, ये ब्लैक है वो तो ग्रे टाइप है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब कोई ना, छोटे छोटे वाले लगा देते हैं, बड़े वाले बाद में देखेंगे। सो गाइस अभी हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है कि हमें जेरी कैंस लेने हैं। काफ़ी जगहों पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तेल नहीं मिलेगा, तो हमें जो पानी वाले वाले 25 लीटर वाले कैन नहीं होते वो भर के रखने पड़ेंगे गाड़ी में, ताकि दिक्कत ना हो हमें ऑफ बीट लोकेशन पे एटलीस्ट। और तो वही लेने जा रहा हूँ मैं, काम करा रहे हम अलाइनमेंट भी बेजनी वगैरह करवानी है गाड़ी की, इसके आगे चक्के बहुत हिल रहे हैं। तो हमारा नाम यहाँ पे, फिर यहाँ पे बड़े वाले लगा नहीं रहा हूँ मैं, और ये हमारी कंपनी और हमारे ट्रिप का। बड़े वाले यहाँ साइड में लगाने थे, देखता हूँ दो पड़े हुए पीछे की साइड लगाता हूँ अगर मन हुआ तो। होगा व्हील बैलेंसिंग हो गई हमारी जिमनी, गाइस आइडियली तो हमें कुछ घंटे सो जाना चाहिए, लेकिन अभी काम बहुत पेंडिंग है यार। मतलब मेरा अभी हमने थोड़ा अपोलो से सामान लिया है, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह लेके रख लिया हमने ऑलरेडी, और पीछे पानी की बोतल रखी है जो गिर रही है बार बार ढम ढम आवाज़ कर रही है, या तो उसको खाली करना पड़ेगा या फिर बाद में देखते हैं। और बाकी तो गाड़ी तो रेडी है, स्टिकर्स भी लगा लिए, साइड वाले स्टिकर शायद नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा ऐसा दिखाना नहीं है, मतलब पीछे ठीक है, कंपनी का भी प्रचार हो रहा है अपना भी प्रचार हो रहा है, बढ़िया है। अभी खाना खाएंगे, कोशिश करेंगे एक दो घंटा सो जाए, क्योंकि कल पूरे दिन ड्राइव करनी है। पठान पैकिंग ख़त्म करते हैं, डिनर करते हैं, फिर देखते हैं कि हम सोने वाले हैं कि नहीं। अगर नींद आई तो सोएंगे, लेकिन नींद का यार शेड्यूल ही ऐसा है कि हमारा शेड्यूल ही रात को 3 बजे 4 बजे से पहले तो वैसे भी नींद नहीं आती, और 3 बजे मुझे नोएडा से निकलना है, क्योंकि हमारा मीटिंग पॉइंट जो है वो गुड़गांव में है, तो यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर्स दूर है, तो उसके लिए तो 3 बजे तो निकल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 4:30 बजे फ्लैग ऑफ है, 4:30 बजे सब हम निकल रहे हैं। तो अभी वही करते हैं, अभी पहले चलते हैं पैकिंग ख़त्म करते हैं, डिनर करते हैं, फिर आगे का प्लान करते हैं। ये है मैस एक ट्रिप पे जाने से पहले का, और अभी आधा ज़्यादा सामान निकला भी नहीं है, पहले कुछ खाते हैं, खाना लेके आओ खाते हैं, उसके बाद इसको पैक करते हैं बढ़िया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 11 बज गए हैं, 3 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, 4 घंटे हैं, नींद तो पूरी नहीं हो पाएगी। सुबह से ऐसे घूम रहा हूँ, वेरी टायर्ड राइट नाउ, अब जिम भी छूटेगा 15 दिन, कोई नहीं ये कर लेते पहले। गाइस सामान हो गया हमारा ऑलमोस्ट पैक, हम 3 बैग ले जा रहे हैं, एक ये जिसमें हमारे सारे कपड़े वगैरह हैं, एक ये जिसमें हमारे सारे गैजेट्स हैं, और एक ये जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। बस वही हम पहन के निकलने वाले हैं, जूते भी डिसाइड नहीं है, जूते कोई एक जूता लेके जाऊंगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, 1 बज गए, 3 बजे निकलना है, 1 घंटा सोने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और ट्रिप वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बढ़िया पहाड़ों की, और कल रिवील करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ बहुत जल्द, बाय बाय।